ओम नमो नारायण। तो साथियों, आज आपको भारत की पुरानी दुनिया की एक मूल प्रजाति से अवगत कराएंगे जो भारत में कंकेर के नाम से प्रचलित है। विज्ञान की भाषा में इसे जिम्नोस्पोरिया सेनेगलेंसिस कहते हैं, जो सेलास्ट्रेसी परिवार से संबंधित है। इसका जिम्नोस्पोरिया नाम ग्रीक शब्द जिम्नोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है नग्न और स्पोरिया का अर्थ है बीज। यह उन बीजों को संदर्भित करता है जो जुड़े रहते हैं और फल के कैप्सूल के खुलने पर नग्न या उजागर होते हैं। हिंदी में इसे कंकेरू या बहेकल कहा जाता है और इसमें लाल रंग के लंबे कांटे पाए जाते हैं, जिसके लिए अंग्रेजी में इसे रेड स्पाइक थॉर्न या हैंकल ट्री कहते हैं। इसके अलावा संस्कृत में इसे करकानदोह कहा जाता है। इस प्रजाति का मूल निवास स्थान दक्षिण पूर्वी स्पेन, अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप और ईरान से लेकर भारत तक है। यह मुख्य रूप से मौसमी शुष्क उष्णकटिबंधीय बायोम में उगता है। इसके फूल छोटे क्रीम रंग के या हरे सफेद होते हैं, जो सर्दियों की शुरुआत में खिलते हैं, और बीज लाल भूरे रंग के होते हैं, जो आंशिक रूप से सफेद या गुलाबी रंग के बीज कोष से ढके रहते हैं। इसकी छाल खुरदरी और भूरे रंग की होती है। यह पेड़ 3 से 5 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसमें कई तने और शाखाएं होती हैं। इसकी शाखाओं में 70 मिलीमीटर तक लंबे कांटे हो सकते हैं और पत्तियां नीली हरी और चमड़े जैसी होती हैं। यह पेड़ विभिन्न प्रकार के आवासों में पाया जा सकता है, जिसमें वन भूमि, घने जंगल, झाड़ियां, जंगली घास के मैदान और नदी के किनारे शामिल हैं। कंकेर तितलियों के लिए एक लार्वा भोजन पेड़ है। मधुमक्खियां और तितलियां इसके फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। वहीं बंदर नई टहनियां और पत्तियां खाते हैं, पक्षी फल खाते हैं और ब्लैक राइनो इसकी छाल और पत्तियां खाते हैं। इसकी लकड़ी कठोर पीले सफेद रंग की होती है और इसका उपयोग घर्षण द्वारा आग जलाने के लिए किया जाता है। साथ ही इसकी पत्तियों का उपयोग सलाद में किया जा सकता है और इसके फूलों का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है। इसकी जड़ों और पत्तियों का इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा में विभिन्न मानवीय बीमारियों जैसे कि दस्त, तपेदिक, निमोनिया, अस्थमा, यौन रोग और सांप के काटने के इलाज के लिए किया जाता है। नपुंसकता के इलाज के लिए इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पत्तियों को 10-20 मिनट तक उबाला जाता है और इसका अर्क दिन में 3 बार मुंह से लिया जाता है। राजस्थान में इसकी जड़ों का उपयोग अस्थमा और खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। इसकी जड़ का अर्क भारी मासिक धर्म और गर्भाशय में ऐठन के लिए और गर्भपात को रोकने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा भारत में इसकी पत्तियों का उपयोग दांत दर्द के इलाज के लिए भी किया जाता है और पाकिस्तान में इस पौधे का उपयोग जुगाली करने वाले पशुओं में दस्त को रोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पशुपालक इसका उपयोग रक्तस्राव को रोकने और शिकारियों द्वारा हमला किए गए पशुओं के घावों के उपचार के लिए करते हैं। साथियों, कंकेर का पेड़ रोगाणुरोधी गतिविधियों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है, जो विभिन्न बैक्टीरिया और कवक के खिलाफ प्रभावी है। यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया की एक विस्तृत श्रृंखला के विकास को रोक सकता है। कंकेर में एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं। यह विभिन्न फंगल प्रजातियों के खिलाफ प्रभावी साबित होता है, जिनमें यीस्ट संक्रमण, श्वसन संक्रमण और एथलीट फुट जैसे फंगल त्वचा संक्रमण शामिल हैं। साथियों, इसकी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए और नैदानिक जांच की आवश्यकता है, जो विभिन्न मानव रोगों के भविष्य के नैदानिक प्रबंधन के लिए मूल्यवान साक्ष्य और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके। इसे उगाना और बीज या कटिंग से फैलाना आसान है। यह धूप वाली जगह में अच्छी तरह से सूखा मिट्टी पसंद करता है और हल्की छाया को भी सहन कर सकता है। यह सूखा सहनशील है और इसे कंटेनरों में भी उगाया जा सकता है। इसे वसंत या गर्मियों में बीज या कटिंग से फैलाया जा सकता है। तो साथियों, यह हमारी पुरानी दुनिया की एक आकर्षक मूल प्रजाति है। इसे ज्यादा से ज्यादा अपने बगीचों में स्थान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।